Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो में हम सामान्यतः श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों की चर्चा करते हैं और उनको क्या क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया गया है इस पर केंद्रित करते हैं व्याख्यान टू का शीर्षक है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा जब हम कार्यबल को देखते हैं तो जो उद्योगों में या फिर अन्य कारखाना वगैरह में जो जो कार्यबल है उस कार्यबल को संगठित और असंगठित भागों में विभाजित किया जाता है संगठित और असंगठित भागों में इनके विभाजन के के उपरांत जो समस्या उत्पन्न होती है वह यह है कि जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं श्रमिक हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा का प्रयुक्त उपयुक्त लाभ नहीं मिल पाता है और इसी संदर्भ में इस व्याख्यान को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं इस व्याख्यान का उद्देश्य है सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के उद्देश्य को समझना और किस तरह से ये सामाजिक सुरक्षा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध हो रही है इसके साथ ही संगठित और असंगठित क्षेत्र श्रमिक की संकल्पना को समझना और जानना कि भारत में कितने कार्यबल हैं जिन्हें हम संगठित श्रम कहेंगे या फिर असंगठित श्रम कहेंगे इसके साथ ही साथ संगठित और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता क्या है इसको जानने का उद्देश्य इस व्याख्यान का है तत्पश्चात राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना और कैसे यह बोर्ड कार्य करता है और असंगठित क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है उस पर हम चर्चा करेंगे तत्पश्चात हम राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना और तत्पश्चात स्था, इस राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के क्या कार्य हैं उस पर हम केंद्रित करेंगे और अंत में हम श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना के जो प्रावधान हैं उस प्रावधानों की चर्चा करेंगे और और श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना के पीछे क्या मूलभूत उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को जानने का प्रयास करेंगे और अंत में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और और इसकी इससे संबंधित जो प्रावधान हैं उस प्रावधानों की चर्चा करने के पश्चात वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की क्या स्थिति है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है अगर हम विस्तृत अर्थों में सामाजिक न्याय की संकल्पना की चर्चा करते हैं तो उसमें सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना उसका एक घटक माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा आर्थिक असुरक्षा के विरुद्ध प्रदान किए जाने वाला एक सुरक्षा है तो ऐसे में अगर कर्मचारियों को या श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो कोई नीति अपनाई जाती है या कोई विधि बनाई जाती है तो इस नीति और विधि के पीछे का जो दर्शन होता है वह दर्शन बृहद शब्दों में सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत पर और संक्षिप्त में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के सिद्धांत पर आधारित है दुनिया भर में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उसमें से श्रमिक कुछ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं कुछ श्रमिक संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और ऐसे में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को जानना आवश्यक हो जाता है और कैसे इनके कार्य की स्थिति में सुधार किया जाए इनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना सामाजिक न्याय की संकल्पना का एक स्वरूप है हम सभी जानते हैं कि सामाजिक न्याय की संकल्पना भारतीय संविधान का एक सर्वोच्च आदर्श है और उस आदर्श के आलोक में सामाजिक सुरक्षा जो कि आर्थिक असुरक्षा के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान करती है उस पर हम चर्चा करते हैं ऐसी सुरक्षा के अंतर्गत रोजगार क्षति या बीमारी से उत्पन्न होने वाली असुरक्षा इसके साथ ही साथ बच्चों युवाओं महिलाओं वृद्ध व्यक्तियों को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उस सुरक्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं सामान्यतः देखा यह जाता है कि औद्योगिक विकास या फिर आर्थिक विकास का जो परिणाम हुआ है जो उसके परिणाम स्वरूप जो श्रम का स्वरूप परिवर्तित हुआ है उसमें श्रम को दो भागों में बांटा जाता है एक को हम असंगठित क्षेत्र या संगठित क्षेत्र कहते हैं या फिर असंगठित श्रम या संगठित श्रम कहते हैं तो ऐसे में किसी भी समाज में किसी भी देश में जो श्रम का बंटवारा है वह एक संगठित श्रम या असंगठित श्रम या संगठित क्षेत्र या संगठित क्षेत्र हो सकता है असंगठित और संगठित क्षेत्र को जानना आवश्यक हो जाता है हमें Uh, औ, और इस संदर्भ में हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र में जो श्रम है उसे किस तरह से सुविधाएं प्राप्त हैं और असंगठित क्षेत्र में जो श्रम है उन्हें किस तरह से सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं संगठित क्षेत्र सामान्यतः वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नियोजन के लिए एक संविधा होती है एक अनुबंध होता है और उस संविदा या अनुबंध के आलोक में कार्य की दशाओं को कार्य की शर्तों को निर्धारित किया जाता है ऐसे में नियोक्ता बाध्य होता है कि उन शर्तों को वो पूरा करे और जो नियोजित व्यक्ति होता है जो कर्मचारी या फिर जो श्रमिक है उसके लिए यह सुरक्षा हो जाती है कि वह उन शर्तों के अधीन जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं उन लाभों को वो प्राप्त करेगा सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो कि संगठित क्षेत्र में आते हैं उन्हें कानून का उन्हें विधियों का भरपूर संरक्षण प्राप्त होता है ऐसे में जो मजबूत कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं उनसे ये लाभान्वित होते हैं और इसके समृद्ध होने का कारण यह भी है कि संगठित क्षेत्र में जो ट्रेड यूनियन का विकास हुआ है जो ट्रेड यूनियन संगठन बने हैं और ट्रेड यूनियन मजबूत हुए हैं उन्होंने एक सामुदायिक सौदेबाजी के माध्यम से अपने लिए ढेर सारे कानूनी संरक्षण को आ, आ, पाने का प्रयास किया है दूसरी तरफ जब हम असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो असंगठित क्षेत्र में नियोक्ता और और जो व्यक्ति वहाँ पर नियोजित है जो कर्मचारी या श्रमिक के रूप में काम कर रहा है इनके बीच में कोई अनुबंध नहीं होता उनके बीच में कोई नियोजन का अनुबंध नहीं होता है नियोजन का अनुबंध ना होने की स्वरूप नियोक्ता को यह आज़ादी मिली होती है कि जब चाहे ऐसे कर्मचारी को नियोजन से हटा सकता है जब चाहे ऐसे कर्मचारी को नियोजन पर रख सकता है और इसके साथ ही साथ नियोजन की क्या शर्तें होंगी नियोजन में वो जो व्यक्ति है जो कर्मचारी या श्रमिक है किन शर्तों के अधीन कार्य करेगा यह सामान्यता नियोक्ता के द्वारा एक पक्षी रूप से अपने स्वतंत्रता को यूज़ करते हुए निर्धारित किया जाता है ऐसे में एक कर्मचारी या एक श्रमिक को कोई सुविधा उपलब्ध हो इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है सामान्यतः देखा जाता है कि जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी या श्रमिक हैं ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कानूनों का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है इनके हितों को सामाजिक सुरक्षा कानूनों के माध्यम से संरक्षित नहीं किया जाता है और ऐसे में जो असंगठित क्षेत्र हैं असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं इन श्रमिकों को का नियोक्ता के द्वारा शोषण किया जा सकता है या किया जाता है अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र वर्तमान में भारत के कुल कुल कार्यशक्ति का कुल, का, कुल कार्य बल का लगभग छियासी प्रतिशत है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में अभी तक जो श्रम एवं औद्योगिक विधियों का विकास हुआ है उसमें से अधिकतर विधियों का जो जो लाभ है वह केवल और केवल चौदह परसेंट उन कर्मचारियों को उन श्रमिकों को मिल पा रहा है जो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले छियासी परसेंट जो जो कर्मचारी या फिर श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा कानूनों का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है ऐसी स्थिति में आवश्यक यह हो जाता है कि किस तरह से एक एक नियम बना करके सामाजिक संकल्पना के आदर्श को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए और उस सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से ऐसे श्रमिकों को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाए ऐसे में जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र के उनके लिए इस इस विषय की, की, की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि यह उन्हीं के संदर्भ में ज़्यादा चर्चा करती है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं वो किसी भी विनियमन के द्वारा संरक्षित नहीं होते और असंगठित जो श्रमिक है असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है वह गृह आधारित कर्मकार या स्वनियोजित कर्मकार या फिर असंगठित क्षेत्र में एक वेतन वेतनभोगी कर्मकार के रूप में कार्य करता है अगर हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को जो जो भारत में 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है उस अधिनियम के तहत अगर हम इनके परिभाषा को जानने का प्रयास करें तो इसकी धारा टू एल में असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और यह कहता है कि असंगठित क्षेत्र का तात्पर्य व्यक्तियों या स्वरोजगार श्रमिकों के स्वामित्व वाला एक उद्यम है जो माल के उत्पादन या बिक्री या किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहाँ उद्यम श्रमिकों को रोजगार देता है ऐसे श्रमिकों की संख्या दस से कम है तो ऐसा कोई भी क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र माना जाएगा और ऐसे असंगठित क्षेत्र में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया नियोक्ता और श्रमिक के बीच में कोई नियोजन का अनुबंध नहीं होता है नियोजन की संविदा नहीं होती है और अगर हम असंगठित श्रमिक की बात करें तो इसी अधिनियम धारा टू एम के तहत अश्रमिक शब्द को असंगठित श्रमिक शब्द को परिभाषित किया गया है और असंगठित श्रमिक का तात्पर्य गृह आधारित श्रमिक या स्वनियोजित श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में एक वेतनभोगी श्रमिक से है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह श्रमिक भी सम्मिलित है जिसे संगठित क्षेत्र के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के तहत कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है 2008 में जब असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 बनाया गया भारत सरकार के द्वारा तो उसमें यह उपबंध किया गया कि असंगठित क्षेत्र के तहत उन श्रमिकों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा जो संगठित क्षेत्र में होते हुए भी संगठित क्षेत्र के जो आ, सामाजिक सुरक्षा कानून हैं सामाजिक सुरक्षा विधियां हैं उसका उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए 2008 के अधिनियम की अनुसूची दो में उल्लेख किया गया है और वहाँ पर ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है जिसको इस अंतर इस इस अधिनियम के अंतर्गत एक सामाजिक सुरक्षा कानून के रूप में माना गया है और अगर संगठित क्षेत्र का कोई कर्मचारी या श्रमिक उन उ, उन लाभों को प्राप्त करने में असफल है तो उसे फिर असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी मान करके यहाँ पर उसे वह लाभ प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा अगर हम असंगठित और संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना की बात करें तो भारत में 2008 तक जितनी विधियां बनाई गई थी वह विधियां सामान्यतः केवल और केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऊपर ही लागू होती थी अर्थात सामान्यतः जो विधियां बनाई गई थी जिनका आदर्श सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था जो कि सामाजिक न्याय की संकल्पना पर आधारित हैं ऐसे विधियों का जो लाभ है वह केवल और केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिल पा रहा था और जैसा हमने बताया 2021 और 22 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उस समय भारत में लगभग 86 परसेंट जो कार्यबल था जो कार्यशक्ति थी वो असंगठित क्षेत्र से आती थी तो ऐसे में इन विधियों का लाभ केवल और केवल एक छोटे से समूह को एक एक छोटे से ग्रुप को मिल पा रहा था और ऐसे में यह अपरिहार्य हो गया था कि एक विधि बनाई जाए जो कर जो कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो ऐसे में भारत में सर्वप्रथम 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारित किया गया जिसके तहत असंगठित श्रमिक एक घरेलू श्रमिक स्वरोजगार श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है और, और इस श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रदान प्रयास किया गया इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत संगठित क्षेत्र का एक ऐसा श्रमिक भी शामिल है जो किसी अन्य अधिनियम के दायरे में नहीं आता है अर्थात वह कर्मचारी वह श्रमिक जो संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में है इस पर कोई बहुत स्पष्टता नहीं है और और वह अन्य विधियों का कोई लाभ नहीं पा रहा है तो उसको सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में मानते हुए उसे असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के जो नीतियाँ बनाई गई जो विधियाँ बनाई जाएंगी उनका लाभ देने का प्रयास किया जाएगा अधिनियम की अनुसूची दो में आ, जो आ, सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों की चर्चा की गई है उनका जिक्र हम अगर करें तो उसमें कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम और साथ ही साथ मातृत्व लाभ अधिनियम और ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम हैं अर्थात श्रमिक ऐसा श्रमिक जो संगठित क्षेत्र में होते हुए भी इन अधिनियमों के तहत इन इन विधियों के तहत कोई लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है अनुसूचित दो के आधार पर उस श्रमिक को हम असंगठित क्षेत्र में जो उपबंध बनाए गए हैं उसमें मानते हुए उसके तहत उसे लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे अगर हम आ, 2008 के अधिनियम पर एक विस्तृत चर्चा करें और, और देखें कि असंगठित जो श्रमिक है असंगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है उसको कैसे सामाजिक सुरक्षा और क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस अधिनियम की धारा तीन के अनुसार केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी धारा तीन के तहत विधि बनाने की जो शक्ति है विधि बनाने की शक्ति के लिए केंद्र सरकार को यहाँ पर शक्ति दिया गया है लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि जो सामाजिक सुरक्षा का विषय है यह विषय संविधान की सातवीं सूची के तीसरे लिस्ट में आता है तीसरी लिस्ट में आता है जो कि एक ऐसा विषय है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकार नियम बना सकते हैं तो केंद्र सरकार को यह शक्ति दिया गया है इसका आ, कभी यह तात्पर्य नहीं होगा कि राज्य सरकारों को नियम बनाने से रोका गया है वो अपनी विधियां बना सकते हैं और अपने क्षेत्र में आने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भरपूर लाभ दे सकते हैं धारा तीन के अनुसार जीवन और विकलांगता की सुरक्षा स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ वृद्धावस्था के दौरान संरक्षण और किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं राज्य के द्वारा बनाई जा सकती हैं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा सकती हैं हमें यह भी जानना चाहिए यहाँ पर कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और एक लोक कल्याणकारी राज्य में यह राज्य का परम दायित्व है कि वह अपने प्रत्येक नागरिकों के लिए एक एक सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान का उपबंध करे इसी इसी दर्शन पर आधारित यह विधि बनाई गई है 2008 में यहाँ पर केंद्र सरकार को असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के नियम या फिर लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया है और हम इसमें देख रहे हैं कि धारा तीन के तहत इसमें जो विशिष्ट विषय सम्मिलित हैं वो सम्मिलित कर्मचारी या श्रमिक के जीवन उसकी विकलांगता के प्रति सुरक्षा उसका स्वास्थ्य प्रसूति लाभ या फिर वृद्धावस्था के दौरान संरक्षण के रूप में है लेकिन यह जो अधिनियम है धारा तीन में यह विषय केवल यहीं तक सीमित नहीं है उसके बाद वह कहता है किसी अन्य लाभ से संबंधित मामले अर्थात केंद्र सरकार को यह यह शक्ति मिला हुआ है कि किसी भी विषय के संबंध में जो कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकता है उससे संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना सकता है और उसका प्रवर्तन करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वह भरपूर लाभ दे सकता है उनके हितों का संरक्षण कर सकता है अगर हम असंगठित क्षेत्र के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको केंद्र सरकार ने अनुसूची वन में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का जो उपबंध है उसकी अनुसूची एक में उन पूर्व योजनाओं को सम्मिलित किया गया है जिसे लोक कल्याणकारी योजना माना गया है इसे लोक कल्याणकारी योजना माने मानने का तात्पर्य यह हुआ है कि इन योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा इसमें सामान्यतः जो योजनाएं सम्मिलित हैं वह पूर्व की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आवास योजना या फिर वृद्धावंश वृद्धावस्था पेंशन योजना या फिर जननी सुरक्षा योजना हस्तशिल्प कारीगर कारीगर समग्र कल्याण स्कीम है मछुआरों के लिए जो कल्याण है या फिर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्कीम और उसका विस्तार जनश्री बीमा योजना या फिर आम आदमी बीमा योजना या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है इस तरह से केंद्र सरकार ने जब 2008 में यह अधिनियम बनाया तो केंद्र सरकार ने उन सभी आ, आ, योजनाओं को इस इस अधिनियम की अनुसूची वन में अनुसूचित करता है और कहता है कि यह लोक कल्याणकारी का योजनाएं हैं अर्थात इसका परिणाम यह हुआ इसका असर यह हुआ कि इन लोक कल्याणकारी का योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा उनका इसके लिए जो, 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 जो योग्यता है वो पूरी मानी जाएगी और उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा और इस तरह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक एक द्वार खोलता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो नीतियां हैं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो योजनाएं बनी हुई हैं उन योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का प्रयास किया जाता है इसके साथ ही साथ इस अधिनियम में राज्य सरकार को भी शक्ति दी गई है राज्य सरकार समय समय पर असंगठित क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी का योजनाएं बना सकता है और उसे अधिसूचित कर सकता है इस इस अधिनियम की धारा तीन उपखंड तीन में यह शक्ति राज्य सरकार को दी गई है और और इसका जो विषय निर्धारित किया गया है वह विषय है भविष्य निधि से संबंधित योजनाएं, नियोजन के दौरान क्षति और उससे उसके लिए लाभ से संबंधित योजनाएँ आवास से संबंधित योजनाएँ बच्चों के लिए शैक्षणिक योजनाएँ और कर्मकारों का कौशल उन्नयन होती जो योजनाएं हैं उसको राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है इस इस अधिनियम के अंतर्गत इसके साथ ही साथ अगर किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो ऐसी दशा में जो अंतिम संस्कार जो एक तत्काल आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतिम संस्कार सहायता भी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ वृद्धावस्था गृह भी बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा तो अब अब आ, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो जो दर्शन है वह दर्शन अगर हम उसके परंपरागत आ, घटकों पर चर्चा करें तो वहाँ पर वह सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दो दर्शन को लेकर के चलता है और सामाजिक बीमा के तहत उन कर्मचारियों को जो सामान्यतः संगठित क्षेत्र में हैं जिनकी बीमा की गई है बीमा के माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में ये जो स्कीम है ये जो योजनाएं हैं सामान्यतः ये योजनाएं वह योजनाएं हैं जो सामाजिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है यहाँ पर अगर अश्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से कोई आ, सहायता लिया जा रहा है कोई अंशदान लिया जा रहा है तो वह अंशदान बहुत नाम मात्र का है तो यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि एक संगठित क्षेत्र का जो श्रमिक है और जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है दोनों को जो सुविधाएं प्रदान की रही की जा रही हैं दोनों को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है उनके दर्शन में मूलभूत अंतर है जहाँ तक संगठित क्षेत्र की बात है संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी या फिर श्रमिक हैं उन कर्मचारियों को उन श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है वह सामाजिक बीमा के दर्शन पर आधारित है दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी या श्रमिक कार्यरत हैं उन्हें जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है यह सामाजिक सुरक्षा उन्हें सामाजिक सहायता के दर्शन पर प्रदान किया जाता है इस दर्शन पर यह आधारित है अब इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर केंद्र सरकार कोई ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लाभदायक है तो ऐसे में उस उस योजना को देने के, आ, के, के आ, आ, प्रवर्तन के लिए जो एक आर्थिक भार होगा उस भार का कैसे वहन किया जाएगा जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है लेकिन हमें यह सर्वदा याद रखना चाहिए कि लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसके प्रवर्तन के लिए भारत को आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा तो जब भी इन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण होगा या फिर इसका क्रियान्वयन होगा तो इसमें जो मूल बाधा होगी या फिर इसके लिए जो आवश्यकता होगी वह होगा आर्थिक स्रोत तो ऐसे में सरकार अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से इन इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है जब केंद्र सरकार इस 2008 के अधिनियम के तहत कोई आ, लोक कल्याणकारी योजना बनाती है तो सामान्यतः प्रश्न यह उठता है कि उस योजना के तहत जो लाभ दिया जाने वाला है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उसका भुगतान कहाँ से किया जाएगा तो धाराचार में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं की बात की गई है और यहाँ कहा गया है कि तीन तरह की योजनाएं यहाँ पर हो सकती हैं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी योजना जो पूरी और की पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और समर्थित होता है एक ऐसी लोक कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है ऐसी योजना पूरी की पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा समर्थित हो सकती है उसके द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा इसका लाभ प्रदान किया जाएगा साथ ही साथ केंद्र सरकार एक ऐसी योजना भी बना सकती है जहां पर जो योगदान है वो आंशिक रूप से केंद्र सरकार के द्वारा और आंशिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर के लोक कल्याणकारी योजनाओं को बना सकती है उसका क्रियान्वयन कर सकती है और जहाँ तक आर्थिक भार की बात है जहाँ तक इसके लिए आर्थिक बल की आवश्यकता है ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का यहाँ पर एक एक, एक आंशिक योगदान हो सकता है और जिसके माध्यम से उस लोक कल्याणकारी योजना का प्रवर्तन किया जा सकता है इसके साथ ही साथ जो तीसरे वर्ग का जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें आंशिक रूप से केंद्र सरकार आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से योजना के लाभान्वित या नियोक्ताओं के योगदान द्वारा वित्त पोषण हो सकता है तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और साथ ही साथ नियोक्ता या फिर जो व्यक्ति उसका लाभ पा रहा है उसके आंशिक योगदान के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता तब अब अब यहाँ पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे ही किसी लोक कल्याणकारी योजना में ये आवश्यकता हो जाती है कि आ, आ, जो श्रमिक है उसको भी योगदान देना होगा और उसके आंशिक योगदान के आधार पर ही उसे उस योजना का लाभ मिलेगा तो ऐसे में फिर यह योजना कहीं न कहीं सामाजिक बीमा के रूप में परिलक्षित होती है या सामाजिक सहायता के रूप में परिलक्षित नहीं होती है सामाजिक सहायता में सामान्यतः लाभार्थियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और और सामाजिक बीमा में उस सामाजिक बीमा का जो प्रीमियम है उसके भुगतान के लिए जो योगदान है वह उन श्रमिकों या कर्मचारियों से लिया जाता है तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र में भी जो कर्मचारी हैं उन्हें जो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना है उस लाभ के लिए उनके आंशिक भुगतान की आवश्यकता हो सकती है वैसे भी यह देखा जाता है कि जब जब एक भुगतान पर आधारित कोई कल्याणकारी योजना होती है तो उसका प्रवर्तन थोड़ा सा अच्छे तरीके से होता है और ऐसे में ऐसी योजना का लाभ उन कर्मचारियों को या फिर श्रमिकों को अच्छे से मिल पाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों या श्रमिकों को योगदान देना पड़े अगर उनके एक नाम मात्र का योगदान देने से अगर उनको एक बड़ी सुरक्षा प्रदान की जा रही है तो ऐसे ही स्थिति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उस योगदान को देने के लिए उसका भुगतान करने के लिए आगे आना चाहिए और इस माध्यम से अपने लिए वह सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिए 2008 की के अधिनियम के पश्चात भारत में सर्वप्रथम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनके माध्यम से इन योजनाओं को इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा ऐसे में सर्वप्रथम केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की जाती है और और इस अधिनियम के धारा पाँच में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का उपबंध है जिसके लिए जो शक्ति स्थापना करने की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार को दी गई है और और केंद्र सरकार जब राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करता है तो ऐसे बोर्ड में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके साथ ही साथ जो श्रम कल्याण विभाग के महानिदेशक हैं वह उसके सचिव होते हैं और ये भी पदेन पद है यह भी आ, 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 पदेन सचिव है इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कुल चौंतीस सदस्यों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है एक एक बहुत बड़ी संख्या है एक बहुत बड़ा बड़ी संस्था बनाई गई है जहाँ पर अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त चौंतीस सदस्य सम्मिलित हैं अब हमें ये जानना आवश्यक है कि इन चौंतीस सदस्यों में कौन कौन है और चौंतीस सदस्यों को रखने का क्या उद्देश्य है अगर हम इस पर चर्चा करें गौर से देखें तो इसमें सर्वप्रथम सात असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में सात सदस्य ऐसे होंगे जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब 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 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से किसी लोक कल्याणकारी योजना को क्रियान्वित करने के लिए या फिर उसमें सुझाव देने के लिए अधिकृत किया जा रहा है तो ऐसे में उस राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना अपने आप में एक, एक महत्वपूर्ण बात है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जिनको अभी आ, 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 अभी तक जो जो सामाजिक सुरक्षा कानून हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था अब उनको प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल रहा है तो संभवतः इसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा के जो उपबंध हैं जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने हैं उसमें इनका प्रतिनिधित्व इनकी बातों को रखने या फिर इनके इनकी, इनकी सुझावों को लागू करने में आ, एक अच्छी भूमिका निभा सकती है इसके साथ ही साथ इस राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व होगा हो और और कुल सात सदस्य ऐसे होंगे जो असंगठित क्षेत्र के नियोक्ता होंगे और इन नियोक्ताओं को प्रतिनिधित्व तो दिया जाएगा यहाँ पर जो जो आवश्यकता है आवश्यकता यह है कि असंगठित क्षेत्र के अगर असंगठित क्षेत्र जिनकी कार्यबल बहुत अधिक है लगभग छियासी परसेंट है ऐसे में इन्हें जब कोई किसी लोक कल्याणकारी योजना का लाभ दिया जाना है और अगर कर्मचारियों से या फिर नियोक्ताओं से अंशदान न लिया जाए तो राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव होगा आर्थिक दबाव होगा इन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अगर इन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं को भी सम्मिलित किया जाए और उन नियोक्ताओं पर भी एक एक दबाव बनाया जाए या उन पे एक दायित्व अधिरोपित किया जाए कि अपने क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में जो उनके यहाँ काम करने वाले श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में उन्हें भी अंशदान कर रहा है तो ये एक अच्छा पहल होगा सामाजिक सुरक्षा का असंगठित क्षेत्र में लागू होने के संदर्भ में ऐसे में नियोक्ताओं के दायित्व के निर्धारण में और, और उनके निर्धारण से संबंधित जो भी नीतियाँ या फिर जो भी सुझाव आएंगे ऐसे में इनका प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किया गया है इनके सात सदस्य होंगे जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे इसके पश्चात जहाँ तक असंगठित क्षेत्र की बात है असंगठित क्षेत्र केवल और केवल एक एक उद्योग या फिर नियोजन तक ही सीमित नहीं है असंगठित क्षेत्र समाज में बहुत व्यापक रूप से परिलक्षित होता है तो समाज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों या श्रमिकों के प्रति क्या नज़रिया रखता है और किस तरह से उनका यह नज़रिया समाज का यह नज़रिया उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए एक एक लाभदायक वो बन सकता है ऐसे संदर्भ में नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा और ऐसे सात लोगों को यहाँ पर प्रतिनित्व के लिए चुना जाएगा तो सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन के दौरान नागरिक समाज के सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों को यहाँ पर उस बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित करेगी और उनसे नागरिक समाज का जो नज़रिया है या फिर उनका जो विचार है उसे जानने का प्रयास करेगा इसके बाद आ, 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 अन्य सदस्यों में लोकसभा के दो सदस्य और राज्यसभा के एक सदस्य होंगे जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नामित किए जाएंगे और इनके माध्यम से जो सरकार का जो नज़रिया है या फिर सरकार किस तरह से लोक कल्याणकारी योजना को क्रियान्वित करने के लिए इसका लाभ अधिकतम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए अग्रसर होगी उसके लिए यहाँ पर लोकसभा से दो और राज्यसभा से एक सदस्य को रखा जा रहा है इसके पश्चात केंद्र सरकार ने यह भी उपबंध बनाया हुआ है कि संबंधित जो मंत्रालय होंगे जिनके संदर्भ में लोक कल्याण या फिर सामाजिक सुरक्षा के योजना बनाई जाएगी ऐसे मंत्रालयों और उनके विभागों का भी प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व हो उसके लिए पांच सदस्य और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य यहाँ पर होंगे अर्थात यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वह उन सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ और साथ ही साथ राज्य सरकार इसके ऊपर एक आर्थिक दबाव डाला जा सकता है या फिर उसे आर्थिक दबाव के तहत योगदान देने के लिए कहा जा सकता है तो ऐसे में उस राज्य सरकार को भी प्रॉपर प्रतिनिधित्व तो मिले इसके लिए उनके पांच सदस्यों को यहाँ पर रखा जा रहा है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जा रहा है इस गठन को बहुत व्यापक रूप से बनाया गया है इसमें जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं सबको समान रूप से शामिल किया गया है सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है जिसके माध्यम से यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित निर्णयों को लेने में एक प्रयास आसान सा प्रयास किया जाएगा अगर यहाँ पर यह भी बंद किया जाता कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व प्रॉपर प्रतिनिधित्व होगा तो शायद यह, यह सामाजिक जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है इसका जो गठन है यह और व्यापक हो पाता महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो न होना शायद उनको जो मिलने वाले लाभ हैं जैसे मातृत्व लाभ ऐसे संबंध में बहुत उचित विचार आ पाएँ इस पर एक संशय है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्य राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा इसके कार्यों की चर्चा अधिनियम की धारा पाँच उपधारा आठ में दी गई है पहला है इसमें असंगठित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती हैं या बनाई जानी चाहिए इस पे केंद्र सरकार को सिफारिश करने का काम यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड करेगा इसके साथ ही साथ अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर सलाह देगा कि किस तरह से इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जाए या उसका सुचारू रूप से प्रवर्तन किया जाए इस पे भी इसका सलाह होगा इसके साथ ही साथ यह बोर्ड असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी करने का कार्य करेगा अर्थात यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है केवल लोक कल्याणकारी योजनाएं ही न बनाई जाएं बल्कि उसका उचित रूप से प्रवर्तन भी किया जाए और उस प्रवर्तन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है उस पर यह जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड यह देखे कि किसी लोक कल्याणकारी योजना का उचित रूप से प्रवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है साथ ही साथ असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें पहचान पत्र जारी करने से संबंधित जो नियम हैं उसकी समीक्षा करना और कैसे उसको और तेजी से बढ़ाना है इस पे भी इन्हें केंद्रित करना है इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड राज्य स्तर पर किए गए अभिलेख कार्यों की समीक्षा करेगा राज्य स्तर पर किसी आ, लोक कल्याणकारी योजना के प्रवर्तन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसका समय समय पर इस बोर्ड के द्वारा समीक्षा किया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले व्यय की भी समीक्षा की जाएगी इस पूरी प्रक्रिया में ये जो आर्थिक व्यय है यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है अगर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है समाज अगर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है या फिर आ, आ, आर्थिक अनुपलब्धता है अर्थ की अनुपलब्धता है तो ऐसे में किसी भी लोक कल्याणकारी योजना को बहुत अच्छे से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ऐसे अन्य कार्य करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उसे समय समय पर सौंपे जाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड केंद्र सरकार को सलाह देने का और उसके आ, उसके अधीन अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है अब हम आते हैं राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना और और इसके कार्य पर अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगा इसमें संबंधित राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री जो पदेन अध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्य सचिव या सचिव श्रम जो कि सचिव के रूप में पदेन सचिव के रूप में उसके सदस्य होंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के ही आधार पर राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सात श्रमिकों को इसका सदस्य बनाएगा और असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनके सात नियोक्ताओं को इस इस बोर्ड का सदस्य बनाएगा साथ ही साथ संबंधित राज्य की जो विधानसभा होगी उसके दो प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होंगे और पांच नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तो होगा और और जो संबंधित राज्य सरकार के विभाग हैं जिनके ऊपर यह दायित्व आ सकता है कि, कि किसी लोक कल्याणकारी योजना का प्रवर्तन करना है ऐसे विभागों से सात सदस्य इस बोर्ड में सम्मिलित किए जाएंगे अधिनियम की धारा छः उपधारा आठ के तहत राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ कार्य सौंपे गए हैं जिसका क्रियान्वयन जिसका जिसका निष्पादन राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी जिसका निष्पादन राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को करना है इसमें है पहला असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करना और राज्य सरकार की सिफारिश हेतु से प्रस्तुत करना तो अब जो राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है उसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड उस राज्य के संदर्भ में जो असंगठित क्षेत्र हैं उन असंगठित क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त लोक कल्याणकारी का योजनाएं हैं उस योजनाओं को तैयार करें और उस योजनाओं को तैयार करने के पास उसके सिफारिश के लिए वह राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और, और और राज्य सरकार अगर उस पर सिफारिश देती है तो उसे फिर आगे क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़े तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य किसी राज्य के अधीन जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना की बात हो रही है उसमें राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसके साथ साथ अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सरकार को यह सलाह देना कि कोई भी जो लोक कल्याणकारी योजना है जो कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय के रूप में बनाया गया है या फिर राज्य सरकार के द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाया गया है इसके प्रवर्तन में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और कैसे इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है इस पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा इसके साथ ही साथ असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित ऐसी सामाजिक आ, लोक कल्याणकारी का योजनाओं की निगरानी करना भी राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कार्य है केवल योजनाएं बनाना और उसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कर देना ही पर्याप्त नहीं है राज्य अगर कोई लोक कल्याणकारी योजना बनाता है तो बनाने के बाद उसके लिए पर्याप्त धन भी मुहैया कराता है उसके बाद भी राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को यह निगरानी करना पड़ेगा कि उस योजनाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है और ऐसे में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का जो जो चीज की भूमिका है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसके साथ ही साथ राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जिला स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा करेगा जो जिला स्तर पर जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कोई लोग कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को दिया गया है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा करना जैसा हम सभी जानते हैं इस अधिनियम में 2008 के इस असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम जो जो बनाया गया है इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान हेतु आ, उनके लिए एक पहचान पत्र उनके पंजीकरण और पहचान पत्र का आ, एक उपबंध लाया गया है तो ऐसे श्रमिकों के पहचान हेतु तो उनका पहले पंजीकरण किया जाएगा पंजीकरण के पश्चात उन्हें एक प्रमाण पत्र या फिर कार्ड जारी किया जाएगा और ऐसे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को दिया गया है राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड यह देखेगा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पर्याप्त रूप से पंजीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है या फिर उन्हें पहचान पत्र जारी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसके साथ ही साथ राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की यह भी जिम्मेदारी होगी कि जो किसी लोक कल्याणकारी योजना के प्रवर्तन में जो आर्थिक व्यय का आ, जो पहलू है उसकी समीक्षा समय समय पर करे और राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दे क्योंकि ऐसी किसी योजना का पर्याप्त रूप से प्रवर्तन तभी संभव हो पाता है जब वहाँ पर जो व्यय है उस व्यय के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध कराए तो इसके लिए समीक्षा किया जाना आवश्यक है इसके साथ ही साथ राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अन्य ऐसे भी कार्य करेगा जो राज्य सरकार समय समय पर इसे सौंपे तो अगर राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा हेतु तो कोई लोक कल्याणकारी योजना बनाता है और, और उसके तहत किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उस जिम्मेदारी के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड उत्तरदायी होगा इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि आ, 2008 के अधिनियम के आने के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कि संख्या जानने के लिए यहाँ संख्या से तात्पर्य है उस कार्य बल का एक, एक एक निश्चित पता होना क्योंकि अगर कोई लोक कल्याणकारी का योजना बनाई जा रही है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह पहलू है अर्थ व्यय और और ऐसे में जो आर्थिक व्यय है जो व्यय का मापदंड है ऐसे में जब तक हम यह सुनिश्चित ना कर पाएँ कि कितने श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाना है तब तक हम इस इस लोक कल्याणकारी योजना का उचित तरीके से प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आवश्यकता यह है कि श्रमिकों की पहचान की जाए और और उनके लिए श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना करके उन श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है धारा ना के तहत श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है और इस श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा रहा है सामान्यतः हम यह देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं तो ऐसे में एक श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि श्रमिकों के बीच में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच में एक जानकारी का प्रसार कराया जाए कि उन्हें क्या क्या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है या फिर किन किन लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पा सकते हैं इसके साथ ही साथ श्रमिक सुविधा केंद्र असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र भरने उसके प्रसंस्करण और अग्रसर की सुविधा प्रदान करता है हम जानते हैं भारत में जो शिक्षा का स्तर है ऐसे में एक श्रमिक वह लिखने पढ़ने में सक्षम हो या आवश्यक नहीं है तो ऐसे में वह श्रमिक अपना पंजीकरण कैसे करवाएगा या फिर आवेदन फॉर्म जो है आवेदन जो प्रारूप है उसको कैसे भरेगा ऐसी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो श्रमिक सुविधा केंद्र है इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इस केंद्र पर ऐसे श्रमिकों को यह सहायता दी जा सकती है कि वह अपने आवेदन प्रपत्र भरें और उसे प्रसंस्करण और अग्रेसर की सुविधा के लिए आगे बढ़ाए इसके साथ ही साथ आ, श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से जिला प्रशासन से पंजीकरण प्राप्त करने के लिए असंगठित श्रमिकों की सहायता करना जिला प्रशासन के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रमाण पत्र जारी किया जाना है पंजीकरण के पश्चात और और जो श्रमिक सुविधा केंद्र हैं ये श्रमिक सुविधा केंद्र इन इन कर्मचारियों इन श्रमिकों की सहायता करते हैं जिसके माध्यम से ये श्रमिक उस उस पहचान पत्र को पाने में सफल रहते हैं साथ ही साथ जो श्रमिक सुविधा केंद्र है वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के नामांकन की सुविधा प्रदान करता है तो उनका नामांकन भी श्रमिक सुविधा केंद्र पर हो सकता है जिसके माध्यम से उन्हें किसी भी लोक कल्याणकारी योजना का लाभ दिया जा सकता है असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण 2008 के अधिनियम के आने के पश्चात जो एक संस्थागत डेवलपमेंट हुआ जो संस्थागत परिवर्तन आया उस परिवर्तन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण उनकी पहचान करना वो कौन कौन से श्रमिक हैं या फिर वह कौन कौन से व्यक्ति हैं जो किसी एक सामाजिक सुरक्षा योजना या फिर लोक कल्याणकारी योजना के लिए योग्य माने जाएंगे और उन्हें क्या लाभ दिया जाएगा ऐसे में इन आ, श्रमिकों की संख्या को निर्धारित करने के लिए या फिर उनकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण का उपबंध किया गया है और यह उपबंध में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 10 में देखने को मिलता है इसके तहत प्रत्येक असंगठित क्षेत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीकरण के लिए पात्र होगा जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है कुछ शर्तें अधिरूपित की गई हैं उन शर्तों के अधीन वह अपने पंजीकरण के लिए पात्र होगा इसमें सबसे पहला जो शर्त है उसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अर्थात कोई ऐसा श्रमिक जो चौदह वर्ष से कम का है उसे असंगठित क्षेत्र में श्रमिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा और उसे लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा शायद इस अधिनियम के इस इस उपबंध के पीछे का जो औचित्य है वह औचित्य ये है कि बाल श्रम को रोकना अगर चौदह वर्ष से कम या और कम के आ, आ, श्रमिकों को पंजीकृत करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा या फिर लोक कल्याण का आ, कोई कोई लाभ दिया जाता है तो ऐसे में जो बाल श्रमिक हैं वह भी अपना पंजीकरण कराएंगे और विधिक रूप से उसके लिए वो उसकी मांग करेंगे तो ऐसे में उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा तो सुनिश्चित किया जा सकता है लेकिन बाल श्रम की संख्या भी बढ़ेगी तो इसके लिए यहाँ पर चौदह वर्ष का एक न्यूनतम मानक रखा गया है श्रमिक जब चौदह वर्ष की आयु पूरा कर लेगा तभी उसका एक एक, एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में पंजीकरण किया जाएगा इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो एक आवश्यकता है जो श्रमिक के श्रमिक, श्रमिक की ओर से आवश्यकता है वह आवश्यकता है उसे एक घोषणा देना जिसे स्व घोषणा कहते हैं कि वह एक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है अब हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसी कोई योजना जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देने के लिए बन रहा है इसका लाभ संगठित क्षेत्र के श्रमिक न उठा पाए या फिर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोका जाए और वह इस लाभ के लिए आगे न आवें ऐसे में यहाँ पर जो आवश्यकता है आवश्यकता यह है कि एक श्रमिक को जब वह पंजीकरण के लिए जाता है तो उसे यह एक स्वघोषणा सब देना पड़ेगा कि वह असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है अर्थात अगर कोई श्रमिक संगठित क्षेत्र का श्रमिक है तो उसे इस अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाएगा इसके पश्चात प्रत्येक पात्र असंगठित कर्मचारी को पंजीकरण के लिए जिला प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तो जो निर्धारित प्रपत्र है उसको भर करके जिला प्रशासन को आवेदन करना होगा इसके पश्चात एक विशिष्ट पहचान संख्या वाला स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र जारी किया जाएगा और यह स्मार्ट कार्ड पोर्टेबल है अगर एक श्रमिक कल को माइग्रेट होकर के दूसरे राज्य में जाता है या फिर एक असंगठित क्षेत्र से दूसरे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाता है तो वहाँ पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए वह अपने उस विशिष्ट संख्या वाले स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र को उसमें परिवर्तित करा सकता है इसके साथ ही साथ पंजीकृत असंगठित कर्मकार योगदान के भुगतान पर योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र हो सकता है कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जहां पर सरकार के द्वारा लाभार्थियों से अंशदान की आवश्यकता बनाई गई है अगर किसी योजना का लाभ लेने के लिए योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक है कि जो श्रमिक है वह अंशदान करें तो ऐसे में अंशदान करना जरूरी है अगर हम वर्तमान संख्या को देखें तो जो ई श्रम का पोर्टल है उस ई श्रम के पोर्टल पर लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड आज जारी किए जा चुके हैं यह एक अद्यतन सूचना है औ, और और 30 करोड़ माना यह जाता है कि लगभग छियालीस करोड़ श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें से लगभग 30 करोड़ श्रमिकों का यहाँ पर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है अर्थात सरकार के पास एक डेटा बेस तैयार हो गया है जिसपे वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कौन कौन हैं और किन कर्मचारियों को किस तरह की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है उसके लिए उन्हें वर्गीकृत करने उन्हें पहचानने के लिए यह डेटाबेस एक उपयोगी साधन हो सकता है हमने यह भी देखा कि आ, आ, हाल ही में असंगठित श्रमिक आ, को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में भी सम्मिलित किया गया है यह संहिता 2020 में बना हुआ है लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है जिस दिन यह संहिता लागू हो जाएगा 2008 का असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम इस संहिता का पार्ट बन जाएगा और इस संहिता के माध्यम से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो मूलभूत प्रावधान है वो प्रावधान वही हैं जो दो के अधिनियम में हैं और, और इन्हें केवल और केवल इस संहिता का पार्ट बना दिया गया है अंत में हम देखते हैं अंत में हम देखते हैं कि इस इस व्याख्यान में हमने सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के उद्देश्य को जाना और कैसे यह उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर है हमने यह भी देखा कि असंगठित और संगठित क्षेत्र क्या है और इस क्षेत्र के कर्मचारी कौन हैं जिसे या श्रमिक कौन है जिसे हम इनकी पहचान कर पाएँ और उपयुक्त योजनाओं का इन्हें लाभ पहुंचा पाएँ हमने यह भी देखा कि असंगठित और संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको कौन कौन सी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है और और अभी तक आ, यह माना जा रहा था कि जो सा, सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता है वह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ज़्यादा है लेकिन अब प्रावधान किया जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसके प्रावधान उपलब्ध कराए जाएं उनके लाभ दिलाए जाएं इसके साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत हमने देखा कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है उसके कार्यों का निर्धारण किया गया है साथ ही साथ राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है और उसके कार्यों को निर्धारित किया गया है और इन दोनों बोर्डों की ये भूमिका है कि वह कैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के बनाने और प्रवर्तन करने में एक एक भूमिका अदा कर सकते हैं हमने यह भी देखा इस इस व्याख्यान में हमने यह भी देखा कि श्रमिक सुविधा केंद्र की स्थापना आ, आ, कैसे की जा रही है और इस श्रमिक सुविधा केंद्र के स्थापना का मूलभूत उद्देश्य क्या है और अंत में हमने इस व्याख्यान में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण और और इस पंजीकरण की जो वर्तमान स्थिति है जिसमें हमने चर्चा की कि लगभग 30 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है ई श्रम पोर्टल पर उसको हमने जानने का प्रयास किया धन्यवाद